हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो मेरे सभी काम हो गए हैं और मैंने नहा भी लिया है और आज है मेरा व्रत। तो आज शरद पूर्णिमा है जो कि भारतीय इंडियन फेस्टिवल में मनाया जाता है। आज के दिन यहाँ मतलब जो महाकाली रखी हुई होती है ना, तो वो आज मतलब आज के दिन नहीं, आज सुबह तक विसर्जित हो जाती हैं। सुबह 6 बजे तक विसर्जित हो जाती हैं लास्ट जो दुर्गा जी होती हैं वो। आज अनंत चौदशी शायद, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है पर मैं बता रही हूँ अपने से। तो बस मैं अभी सुबह का काम वगैरह निपटा कर सारे काम और नहा लिए, मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है। और मैंने बस अभी ऐसी सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है और थोड़ा सा श्रृंगार करना तो बनता है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी मेरे हस्बैंड और कार्तिक के लिए, तो मैं उनके लिए आज पोहा बनाने वाली हूँ। तो पोहा तो मेरे घर में वैसे भी फेवरेट है तो इनके लिए तो ज़रूरी है, तो बस वही बनाऊंगी। और इसमें भी इस व्रत में भी ना शाम को खाना नहीं खाते हैं क्योंकि वैसे भी सारे जो भी त्यौहार होते हैं ना उनमें खाना भी कहाँ खाते हैं। बहुत ही ऐसा त्यौहार रहता है मेरा जिसमें खाना खाती हूँ, तो दिन में तो फल फ्रूट वगैरह कुछ खा लेते हैं पर नमक का कुछ भी नहीं खाते, चाय और फल फ्रूट हो गया वो। तो यहाँ पर मैं तैयार होकर मैं नाश्ता बना रही हूँ और कार्तिक भी आप लोग देख रहे होंगे बढ़िया फ्रेश होकर, और बस वो भी थोड़ा सा तेल कंघी कर रहा है पर अभी उसने नहाया नहीं है तो अभी मैं बाद में नहलाऊँगी उसे। और मैं आलू प्याज और एक मिर्च ये सब चीज़ें काट ली हूँ और सारी मैं पोहे में डाल दूँगी। तो अभी तो वैसे ही बन रहा है बिना हल्दी के, तो बस उसी तरीके से बनाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज थोड़ा सा व्रत के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी आप लोगों से, तो रेसिपी भी देखते जाइएगा और मेरी बातें भी सुन लीजिएगा। और ये कड़ी पत्ता जो मैंने उस समय सुखा कर रखी थी ना, आज भी बहुत अच्छी हैं, हरी हरी हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं और मैं इस डब्बे को फ्रिज में रखती हूँ तो अच्छी चल रही हैं अभी मेरी। तो यहाँ पर पोहा बन ही गया है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि त्यौहार मतलब खर्चे के त्यौहार होते हैं ये वो, तो वैसे भी मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो बिना पैसे का हो, बिना खर्चे का हो। ऐसा कोई त्यौहार या को कुछ भी नहीं बना है जिसमें पैसे खर्च ना होते हो। चाहे हम दिवाली मना लें, दशहरा मना लें या रक्षाबंधन मना लें या छोटा मोटा कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो खर्चा तो बनता ही है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग मतलब व्रत नहीं रखते हैं, वैसे उनकी मर्जी है वो रखें ना रखें और मन की श्रद्धा रहती है ये, तो कि अपनी मन की श्रद्धा है। भगवान थोड़ी ही ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हमारा व्रत करो कि हमको पूजो, वो तो एक पत्थर की मूर्ति की तरह होते हैं, अब इंसान की समझ और सोच के अनुसार हैं। तो मतलब मुझे ना मेरे मन में ऐसा लगा, किसी ने बहुत समय पहले कहा था तो आज मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं ये बातें, तो इसीलिए मैंने कहा। तो ऐसा कोई त्यौहार ही नहीं बना हो, बना हो तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि इंसान की सोच कैसी है। तो अब जैसी भी हो अपन क्या कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पूरे दिन के काम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। सारे काम वगैरह हो गए थे, अभी रात का टाइम है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ और पूजा रात को होने वाली है, रात के वही 8 बजे। तो मैंने सोचा जब तक मैं खाना बना कर रख देती हूँ, तो मैंने एक साइड खीर चढ़ा दी है, दूसरे साइड में आलू की सब्जी बना रही हूँ।
तो उसे भी धीमी आंच पर चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, खाना तो इनके लिए ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैं मावा लेकर आई थी खोवा, तो आधा किलो, तो उसको मैं उनके मैं पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि 6 पेड़े बनाने होते हैं। तो बस उसे लाई थी, तो मैं इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और एक पाव शक्कर मिलाई है, क्योंकि इस समय मेजरमेंट के अनुसार है जो व्रत हैगा कि 3 पाव का ही लड्डू बनाए जाते हैं। तो जो रखते हैं व्रत उनको तो पता ही होगा और जानते भी हैं इस त्यौहार के बारे में। ये भी बहुत अच्छे त्यौहार होता है, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी मतलब लक्ष्मी जी जो होती हैं वो सारी रात भ्रमण करती हैं, ऐसा सुना है, तो इसीलिए त्यौहार मनाया जाता है। तो मैंने शक्कर को मिक्सी में पीस लिया था बारीक, और उसके बाद ये 6 भागों में मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो 6 हिस्से बना लूँगी इसके। और गीला भी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि और मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कभी बने बनाए नहीं लेती हूँ, क्योंकि बने हुए भी आते हैं जो रेडीमेड होते हैं बने, तो वो भी बने हुए आते हैं, मैं कभी नहीं लेती, वैसे मैं घर में ही इसी तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने सभी पेड़े में तुलसी की पत्ती लगा दी है, और जितना बर्तन में लगा हुआ था खोवा तो उसको मैं खीर में डाल दूंगी, वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, तो उसको उससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा खीर का। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि कितनी कंजूस है, क्योंकि अभी तो वही बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है, हर चीज़ बचा बचा के चलना पड़ रहा है हम जैसी महिलाओं के लिए, क्या है कि काम ना बिल्कुल सब हो चुके हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं झेल लूँगी, चलता है, सुख और दुख तो साथ में ही आते हैं, तो बस उसी के साथ निपटना पड़ता है। तो बस अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, सब्जी बन गई, खीर भी बन गई, और जितने बर्तन मैंने गंदे करे थे और वो भी मैंने धुल दिए हैं। अब यहाँ मैं तैयारी करूँगी, और एक बात, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़, एंड आज मैं बहुत अच्छा आप लोगों से मतलब आपकी शिकायत दूर हो जाएगी इसमें, जिनको शिकायत थी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं लहंगा पूरा आज मैं इसमें लहंगा पहनने वाली हूँ, तो उसी के लिए मैं चूड़ी भी पहन रही हूँ, और इसमें मेरी पूरी मदद की है मेरे कार्तिक ने, क्योंकि उस बार आपको पूरा दिखा नहीं पाई थी ना, तो इस बार तो ये देख लीजिए पूरा फुल मेरा फेस भी और पूरा लहंगा। तो मैंने इसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है, इसका भी है मैचिंग का, और ये देखिए कार्तिक भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो देख लिया आप लोगों ने थोड़ा बहुत, मेरा बेटा भी मेरा काम आ जाता है कभी कभी, तो वही बोल रहा था मम्मी चेहरा दिख रहा, कहीं पूरा लहंगा नहीं दिख रहा है, तो फिर भी कोशिश की उसने। चलो तो कैसा लगा मेरा लहंगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी दिख रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, हम मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।